हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक मल्टी बैगर शॉप बताऊंगा, धाकड़ कंपनी बताऊंगा, जिसमें आप लोग भाई अगर इन्वेस्ट कर देते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप बहुत बड़ा पैसा बना लोगे। तो आप लोग अभी से ही इस कंपनी में पैसा लगा के रखिए। 15-20 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो, 30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो आपके पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर होना चाहिए, क्योंकि ये सेफ कंपनी है, क्वालिटी कंपनी खरीदोगे भाई, तभी जाके आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो सकता है। आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं इसका ऑफर रिजल्ट देख लेता हूं, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, उनकी प्रोडक्ट अच्छे हैं, सर्विसेज अच्छे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करेंगी। और भैया, जब कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देता है। आप लोग अपने पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल के आधार पे किसी स्टॉक को जगह दो, वरना आप लोग लंबे समय तक पैसा नहीं बना पाओगे। तो देखो भाई, नेट सेल टर्नओवर मार्च 17 में था वो 15,919.13 था, मार्च 17 में 15,919.13 था, और मार्च 19 में देख लो भाई 19,503 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है। हाफ ईयरली 15,919 से 19,503 हो चुका है भाई। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो टोटल इनकम था वो 16,084.71 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 19,727 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है। तो भैया, मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 3,006.49 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 4,367 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हाफ ईयरली एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो एबिटा था वो 3,172.07 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 4,591 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है। हाफ ईयरली 3,172 से 4,591 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस तो देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 2,068.51 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 3,115 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो पैट था वो 2,220.50 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 2,982 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका रिपोर्टेड पैट है, 2,220 से 2,982 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका हाफ रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीफ हो फ्रेंड वो कम ही होगा। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ, पहले आप हाफ रिजल्ट देख रहे थे। तो देखो भाई, नेट सेल्स मार्च 15 में था वो 30,805.62 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 38,224 हो चुका है। तो देख सकते हो भाई बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है ईयर टू ईयर वाइज, 30,805 से 38,224 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है।
जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो टोटल इनकम था वो 31,424.01 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 38,888 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम ही रहा है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 5,208.24 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 8,637 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत बड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 5,208 से 8,637 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो एबिटा था वो 5,826.63 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 9,301 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम ही रहा है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस में देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 3,650.96 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 6,263 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है, 3,650 से 6,226 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। रिपोर्टेड पैड देख लो भाई, रिपोर्टेड पैड भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो पैड था वो 4,315.26 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 6,036 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया रिपोर्टेड पैड है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। एनुअल ईपीएस देख लो, एनुअल ईपीएस भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो एनुअल ईपीएस था वो 19.95 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 27.88 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एनुअल ईपीएस है, 19 से 27 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ, लॉन्ग टर्म में आपको ये वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, और आपका पैसा भी सेफ रहेगा। क्वालिटी कंपनी है भाई एचयूएल का। अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इस कंपनी की स्थापना की गई थी 1933 में की गई थी। पहले फ्रेंड मैं इस कंपनी पे कई बार वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी आपके पोर्टफोलियो में ये सब स्टॉक होते नहीं है। तो जब भैया क्वालिटी कंपनी खरीदोगे नहीं तो पैसा कैसे बनेगा? आप लोग क्यों नहीं खरीदते हो एचयूएल को? मैं 1,100 रुपये से बताते आ रहा हूँ अपने चैनल पे। जब से मैं चैनल स्टार्ट किया हूँ तभी से मैं बता रहा हूँ एचयूएल का। आपको कुछ मैं फेमस ब्रांड यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आवर ब्रांड में गया, होम केयर में दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो देख सकते हो यहाँ पे कम्फर्ट, एक्टिव व्हील 2 इन 1, बीम, डोमेक्स, सर्फ एक्सल, सनलाइट, रिन, ये सब भाई आप लोग खरीदते हो ना, तो भैया शेयर क्यों नहीं खरीदते हो? क्वालिटी कंपनी के पास क्यों नहीं लगाना चाहते हो? मेरे को कमेंट करके बताओ। और भी मैं आपको कुछ फेमस ब्रांड यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ पर्सनल केयर में। यहाँ पे देख सकते हो डव, लाइफ बॉय, लक्स, सनसिल्क, पॉन्ड्स, वैसलीन, फेयर एंड लवली, क्लोजअप, टीयर्स, लक्मी, ये सब भाई आप लोग प्रोडक्ट खरीदते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कंपनी में पैसा लगा दें, क्योंकि भैया इस कंपनी में आपका पैसा सेफ रहेगा और रिटर्न तो बनेगा ही। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड अब तक किस तरह से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, जबकि ये लार्ज कैप कंपनी है। देख सकते हो भाई 555.71% रिटर्न है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। सेंसेक्स का रिटर्न है वो 164.96% रिटर्न है 3 साल में। देख लो भाई 3 साल में कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, देख सकते हो 101% रिटर्न है।
सेंसर का टर्न है 45.45% टर्न है, 1 ईयर में देख लो भाई 1 ईयर में टर्न है 6.37% टर्न है, सेंसर का टर्न है 11.07% टर्न है, ईयर टू डेट में देख लो ईयर टू डेट में टर्न है -1.47% टर्न है, सेंसर का टर्न है 9.55% टर्न है, 1 मंथ में देख लो 1 मंथ में टर्न है -1.36% टर्न है, सेंसर का टर्न है -1.42% टर्न है, 1 वीक में देख लो भाई 1 वीक में टर्न है 0.23% टर्न है, सेंसर का टर्न है 0.30% टर्न है, 1 डे में देख लो 1 डे में टर्न है -0.04% टर्न है, सेंसर का टर्न है -0.99% टर्न है। तो भैया आप लोग एचयूएल में पैसा लगाइए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, आपका इसमें पैसा भी सेफ रहेगा, एनुअली ये कंपनी आपको 25-30% तक रिटर्न बना के दे सकता है। एचयूएल का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ, तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 67.19% होल्डिंग है, एफआईएफ का जो होल्डिंग है एचयूएल में 11.83% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है एचयूएल में 2.14% होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है 4.3% होल्डिंग है, अदर डीआई पर जो होल्डिंग है 0.59% होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है वो 13.95% होल्डिंग है, कोई भी शेयर एचयूएल का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर का, एचयूएल का पी रेशियो है 62.58 का पी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू है एचयूएल का 50.63 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड ट्रेंड बहुत ही बढ़िया है एचयूएल का 1.23% का डिविडेंड यील्ड है, आरओसी लेटेस्ट देख लो बहुत ही बढ़िया है 634.82% का आरओसी लेटेस्ट है, आरओई देख लो भाई 80.91% का। तो भैया मुझे इसका आरओसी आरओई डिविडेंड यील्ड बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है, मैं जितनी तारीख हूँ फ्रेंड वो कम ही होगा। एचयूएल का 52 वीक हाई है वो 1870.50, 52 वीक लो है 1477.90। सेंटीमीटर की बात करूं तो 100% हमारे बाई कीजिए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एचयूएल का मार्केट कैप देख लो भाई, अच्छा खासा मार्केट कैप है 3,87,802.46 का मार्केट कैप है, 5 से 6 महीना में इस कंपनी का मार्केट कैप 4,00,000 करोड़ का भी हो जाएगा भाई। पी जो है एचयूएल का 64.25 का पी है, इंडस्ट्री जो पी है भाई वो 56.58 का, तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले एचयूएल का पी थोड़ा सा हाई है। बुक वैल्यू जो है एचयूएल का 35.27 का बुक वैल्यू है, अर्निंग पर शेयर देख लो बहुत ही बढ़िया है 27.88 का अर्निंग पर शेयर है, फेस वैल्यू 1 का है। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना, बेल बटन प्रेस नहीं करवाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी का पैसा लगाओ, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। धन्यवाद।